नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। क्या है वो ऐलान, आइए देखते हैं बिग न्यूज बिग शो की इस बिग रिपोर्ट में। देश में लोकसभा का चुनावी घमासान जारी है। चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। देश की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना कई राज्यों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां दो बड़े ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे, हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री का ये ऐलान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए भी जमकर घेरा और कहा कि राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। आर्टिकल 370 को लेकर भी प्रधानमंत्री हमलावर दिखे। उन्होंने मंच से कांग्रेस को चुनौती दी और कहा कि 370 को कोई भी अब वापस नहीं ला सकता है। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झांक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झांक सकता था और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। काबिले गौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उधमपुर में बीते 10 सालों में ये तीसरी रैली थी, लेकिन चुनावी रैली के आधार पर ये दूसरी चुनावी रैली आयोजित हुई। उन्होंने उधमपुर में पहली चुनावी रैली 28 नवंबर 2014 को बटवालियां स्थित मैदान में की थी। अब इस मैदान को मोदी मैदान कहा जाता है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।